स्वागत है दोस्तों आप सभी का शिविश यूट्यूब चैनल के एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सेंट्रोइड से रिलेटेड प्रॉब्लम नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो है फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द शेडेड एरिया। तो यहाँ पर हमें एक शेडेड एरिया दिया हुआ है तो उसी का हमें सिर्फ सेंट्रोइड फाइंड करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये शेडेड एरिया अनसिमेट्रिकल है एंड स्टैंडर्ड शेप नहीं है जिसका हम इजीली डायरेक्टली सेंट्रोइड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें देखिए अगर हम इस पूरे क्वार्टर सर्कल को कंसिडर करते हैं जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर गिवन है एंड अगर उसमें से ये वाला छोटा सा सेमी सर्कल डिडक्ट कर लेते हैं, माइनस कर लेंगे तो हमें ईजिली शेडेड एरिया का तो सेंट्रोइड मिल जाएगा। ठीक है, एंड दोस्तों देखिए प्रॉब्लम में हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस गिवन है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें सेंट्रोइड डिस्टेंस फाइंड करना है। तो चलिए आंसर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फिगर्स कंसिडर कर लेते हैं। क्वार्टर सर्कल को हम फर्स्ट कंसिडर करेंगे एंड सेमी सर्कल को सेकेंड कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए क्वार्टर सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो इसका आंसर आता है, सो इसका आंसर आएगा 28.27 मीटर स्क्वायर इन एरिया 2। सो देखिए सेकंड फिगर जो है वो सेमी सर्कल है एंड सेमी सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ पर देखिए सेमी सर्कल का डायमीटर 6 सेंटीमीटर है तो रेडियस आएगा इसका 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सेमी सर्कल का एरिया आता है 14.137 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने एरियाज फाइंड कर लिया। नाउ नेक्स्ट हमें फाइंड करना पड़ेगा एक्स बार एंड वाई बार डिस्टेंस फॉर ईच फिगर। तो एक्स वन, तो क्वार्टर सर्कल के लिए एक्स वन एंड वाई वन सेम होता है जो कि होता है हमारा 4r/3π। ठीक है, सो 4 × रेडियस है 6 सेंटीमीटर देन 3π। सो अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आता है 2.546 मीटर। ओके, ये तो फर्स्ट फिगर के लिए हो गया। नाउ नेक्स्ट एक्स टू क्या होगा? तो देखिए सेमी सर्कल का जो रेडियस होता है वही इसकी एक्स टू यानी कि सेंट्रोइडल डिस्टेंस होता है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था अगर सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल का जो एक्स बार होता है तो वो होता है आर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आर, तो अगर इसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर है तो रेडियस होगा इसका 6/2। तो एक्स टू यहाँ पर हमें मिल गया। नाउ नेक्स्ट वाई टू हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो वाई टू जो डिस्टेंस होता है सेमी सर्कल का अब वो फ्रॉम एक्स एक्सिस तो वो होता है 4r/3π। ओके, तो अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आता है, तो ये आता है हमारे पास 1.273 मीटर। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ईच फिगर के लिए एरिया एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू फाइंड कर लिया है। तो अभी हमें सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके आंसर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एक्स बार फाइंड करेंगे। सो एक्स बार के लिए हमारा फॉर्मूला होता है ए वन एक्स वन प्लस ओ सॉरी यहाँ पर देखिए हमारे जो तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने क्वार्टर सर्कल को एज अ होल फिगर कंसिडर किया है, उसमें से हमें सेमी सर्कल को माइनस करना है। तो यहाँ पर मुझे माइनस का साइन देना पड़ेगा ए टू एक्स टू होल डिवाइडेड बाई ए वन माइनस ए टू। एरिया की वैल्यू है हमारे पास 28.27 इंटू एक्स वन डिस्टेंस है हमारे पास 2.546 माइनस। नाउ नेक्स्ट एरिया टू है हमारे पास 14.137 इंटू, नाउ देखिए एक्स टू डिस्टेंस है हमारे पास 3 मीटर होल डिवाइडेड बाय। तो दोस्तों अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2.092 मीटर अप्रोक्सीमेटली। तो हमें एक्स बार मिल गया है। नाउ नेक्स्ट हमारा कैलकुलेशन होगा वाई बार के लिए। तो फॉर्मूला इसका ए वन वाई वन माइनस ए टू वाई टू होल डिवाइडेड बाय ए वन माइनस ए टू। ओके, सो यहाँ पर ए वन की वैल्यू हमारे पास 28.27 इंटू, नाउ वाई वन की वैल्यू है हमारे पास 2.546, सो 2.546
माइनस एरिया टू हमारे पास 14.137 इंटू वाई टू डिस्टेंस है हमारे पास 1.273। तो दोस्तों अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 3.82 मीटर वाई बार। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक्स बार एंड वाई बार डिस्टेंस फाइंड कर लिया। तो अगर हमें सेंट्रोइड लिखना है तो हम ऐसा लिख सकते हैं सेंट्रोइड 2.092 एक्स डिस्टेंस हो गया एंड वाई डिस्टेंस है हमारे पास 3.82। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।